यूसुफ से मेन तो जावेद सर ने इतना मेहनत, उनके हर सॉन्ग हिट होते हैं तो उस देखकर गाने के बहुत, उन्होंने बहुत हिट गाना और बहुत अच्छा गाना गाया। बाकी फीचरिंग भी बहुत अच्छी की है दोनों ने, अल्फेज ने और ऐश्वर्या ने, बहुत यंग हैं और उनका बहुत अच्छा वो भी रही है बॉन्डिंग भी, और अच्छा जो मेजोरिटी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी रही है दोनों की सॉन्ग के अंदर। सबने बहुत, टीम वगैरह ने, हमारे जो कोरियोग्राफर थे कौशल सिंह जी, उनका भी बहुत अच्छा वो रहा, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। और बाकी और भी बहुत, सबका ही बहुत सपोर्ट रहा है, मेन नाजमा मैम। अब तक कितनी वीडियो आप प्रोड्यूस कर चुके हैं? ये मेरी सेकंड वीडियो है, इससे पहले एक और वीडियो प्रोड्यूस हो चुकी है मेरी, और आगे भी नई शॉर्ट फिल्म की और थोड़े से दिन वापस शूटिंग स्टार्ट होने वाली है कुछ टाइम में। किस तरह से गाना ये आपके पास आया, झोली में आया, किस तरह आया ये पास, और किस तरह आपने अप्रूव किया कि हाँ ये गाना करना है मुझे, काफी बहुत बेहतरीन गाना है जी। कोई सोचने की, जावेद अली सर का गाना है तो सोचने की उसमें है ही नहीं बात, वो वैसे ही बहुत फेमस सिंगर है। सर मैं यही कहूँगा कि मेरी नाज से आज ही मुलाकात हुई है और इन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली हाँ मुझे जस्ट लेटर एक्सप्लेन भी ना, ये गाना रिलीज हुआ है देखा जो हाँ, ये मेरे भांजे हैं, इन्हीं का गाना है। ओह क्या बात है भांजे साहब, आपने तो छा रहे हो भैया, भाई वाह। अरे वाह वाह वाह, चलो मैं इसको जी जीरो सर मैं इतना ही बोलूँगा कि ये जो साहबजादे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, तो मेरी गुड विशेज इनके साथ में हैं। और मैंने गाना सुना है, बहुत ही ज़बरदस्त गाना है, देखा जो ख्वाब एक गाना आया था, देखा एक ख्वाब तो सिलसिले हुए, भूल भी तो हुए तो कांटे, वो जो भी वॉट एवर इट वॉज देयर, बट ये भी गाना वैसा ही इंशाल्लाह हिट होगा। और मेरी गुड विशेज इनके साथ में हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि नाज जी के ये भांजे हैं ये ज़बरदस्त हिट हो जाएं, ये गाना हिट हो जाए, मेरी इनकी इनके साथ में गुड विशेज़ हैं। और बाकी तो यह है कि ऊपर वाले ने चाहा तो उम्मीद करते हैं जल्दी से हम लोग ये गाना देखें और आप लोग भी देखें और खूब मज़े करें, इंजॉय करें। हमारे दानिश साहब भी आए हुए हैं, दानिश साहब जो है ना बहुत बड़े, ये बहुत बड़े सिंगर हैं, क्लासिकल और इंडियन आइडल भी कर चुके हैं, और दिलीप साहब का तो तारीफ की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो भैया परिवार है। ये 30 साल से जो हंगामा कर रहे हैं और आज तक करते ही आ रहे हैं, 30-35 साल हो गए, 35 साल हो गए हैं, ये किसी को आने नहीं दे रहे, अपनी जगह छोड़ ही नहीं रहे, सब अपनी अपनी जगह है, सभी अच्छा काम कर रहे हैं। दानिश साहब क्या कहना चाहेंगे एल्बम के बारे में, और जावेद अली सिंगर हैं और आर्टिस्ट हैं, काफ़ी नए हैं, देखा जो ख्वाब है देखो। मैं इस एल्बम के बारे में यही कहना चाहूँगा कि इन लोगों ने इतनी मेहनत से ये एल्बम बनाया है, और मैं खुद भी सिंगर हूँ तो मैं जानता हूँ कि सिंगर कितनी मेहनत से गाना गाता है, तो मेरी बस ये विशेष है कि ये एल्बम बहुत कामयाब हो और बहुत नाम कमाए। और एक ये जो हाँ इन्होंने बताया कि जावेद भाई ने गाया है, जावेद अली जो सिंगर हैं वो मेरे बहुत ही फेवरेट सिंगर हैं, और समझ लीजिए कि मेरे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, सब कुछ हैं, और समझ लीजिए उनकी आवाज़ अगर इनको, इन साहबजादे को मिली है तो ये खुश नसीब हैं, और इंशाल्लाह ये गाना बहुत ही सुपर हिट होगा अल्लाह ने चाहा तो। और ये जावेद भाई तो इसमें जान डाल ही दिए हैं, और ये बच्चे ने भी बहुत अच्छा काम किया है, गॉड ब्लेस ऑफ देम, उन लोग को बहुत बहुत मेरी गुड विशेस और शुभकामनाएँ जावेद भाई को भी और नाज जी को भी, और इनके जो भांजे हैं इनका फैज़ तो नाम ही बहुत प्यारा है, अल फैज़ तो अल फैज़ मेरी गुड विशेस आपके साथ में हैं, मेरी दुआ है कि आप एक नाम पैदा करो, नाज जी का नाम जो है ना वो सितारों की तरह जगमगा दो, उन्होंने बहुत मेहनत की है आपके लिए, तो अल फैज़ मेरी गुड विशेज आपके साथ में हैं, गॉड ब्लेस यू। ये हटा लीजिए।